अरे यार, आप तो इतने काले हो जितना कि कोयला, और वो तो इतने खूबसूरत है कि जितनी गुलाब। अरे ये तो इतना साफ है जितना का दिन, वो तो इतना बहादुर है जितना कि शेर। आप तो इतने बिजी हो जितना कि एक मक्खी। आपने जितने भी ये फ्रेजेज अभी अभी सुने हैं, इसमें एक चीज़ कौन आप पाए होंगे, वो क्या है? कंपैरिजन। यू हर्ड राइट, इन दिस फ्रेजेज वी जस्ट कंपेयर वन थिंग टू द अदर वन। एंड टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर जस्ट गोना लर्न द फ्रेजेज ऑफ कंपैरिजन, लाइक व्हेन वी जस्ट कंपेयर वन थिंग टू द अदर वन, सो हाउ डू वी जस्ट स्पीक इन इंग्लिश। सो टुडे वी आर जस्ट गोना लर्न वन बाई वन। और इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि जब भी हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं, उन सबको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। अभी स्टार्टिंग के वीडियो लेक्चर में मैंने हिंदी में बहुत सारा कंपैरिजन किया, तो आज हम इंग्लिश में सीखेंगे वही सारे कंपैरिजन वाले वर्ड्स को हम इंग्लिश में कैसे बोले। क्योंकि आप, इट मे बी एनी पर्सन प्लेस और थिंग, वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है जिसको आप एक चीज़ को दूसरे चीज़ से कंपेयर करते हो। तो आज का हमारा जो पहला कंपैरिजन फ्रेज है वो है एज ब्लैक एज कोल। इसका मतलब होता है इतना काला जितना कोयला, एज फेयर एज रोज, इतना खूबसूरत जितना कि गुलाब, एज ब्रेव एज लायन, इतना बहादुर जितना एक शेर, एज कोल्ड एज आइस, इतना ठंडा जितना बर्फ, एज क्लियर एज डे, इतना साफ जितना दिन, एज बिजी एज बी, इतना व्यस्त जितना एक मक्खी। और भी मींस कंपैरिजन फ्रेज को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। अब हम इन सारे फ्रेज को हम अगर सेंटेंस में यूज़ करना चाहते हैं, सो नाउ मैंने जस्ट टीच यू द स्ट्रक्चर्स दैट सो दैट यू कुड जस्ट यूज़ दीज फ्रेजेज इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में अगर आप लोग को यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब या तो मेन वर्ब, उसके बाद फिर कंपैरिजन फ्रेज। फॉर एग्जांपल, यू आर एज ब्लैक एज कोल, आप इतने काले हो जितना कि कोयला। माई फ्रेंड इज एज ब्रेव एज लायन, मेरा दोस्त इतना बहादुर है जितना कि एक शेर। यू आर एज बिजी एज अ बी, आप तो इतना व्यस्त हो जितना कि मक्खी। एंड ओ माय गॉड, सी इज एज फैट एज अ पी, वो तो इतनी मोटी है जितना कि एक सुअर। सॉरी। सो बाय बाय देन, कैच यू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।